हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मायवी। सो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम है, जो कंट्री के आउटसाइड पढ़ने जाते हैं ओवरसीज में, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम। सबसे पहले ऐसा होता है कि मेरी बिजनेस कंसल्टिंग की और स्टूडेंट काउंसलिंग की जर्नी में मुझे इतना पता चला है कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मिल रहे हैं, बट उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि सब स्टूडेंट को आउट ऑफ इंडिया जाना है, जो अभी ट्रेंड चल रहा है। बट वो स्टूडेंट उनके फ्रेंड के साथ ही जाना है, उनके फ्रेंड जहाँ जाते जिस तरह से जाते हैं उनको बस उसी तरह से जाना है, लेकिन उनको खुद को नहीं पता है कि किस तरह से जाना है, कौन सी कॉलेज सिलेक्ट करनी है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मैं मेरे काउंसलिंग की जर्नी में एक स्टूडेंट ऐसा मिला था जिसको आउट ऑफ इंडिया जाना था, लेकिन उसको पता नहीं था कि कैसे जाना है, और उसको जाना था पहले USA। तो मैंने उसको पूछा कि तुझे USA क्यों जाना है, तो उसने मुझे ऐसा बताया कि मुझे पहले एक्चुअली जाना है कैनेडा और उसके बाद मैं USA जाऊंगा, बिकॉज ऑफ आई कैनॉट अफोर्ड माई कॉलेज फीस, इवन मेरे पेरेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर तुम कैनेडा क्यों जा रहे हो? तो बोल रहे कि कैनेडा अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ मुझे फीस कम मिलेगी, उसके बाद मेरा एजुकेशन करने के बाद, मेरी जो डिग्री है वो ख़त्म करने के बाद मैं USA चला जाऊँगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तुम्हारा ये पॉइंट भी वैलिड है। अब नेक्स्ट बताओ कि तुम कौन से कोर्स लेने वाले हो, तुम्हें क्या पढ़ना है, अभी तुम 12th में पढ़ रहे हो तो तुम कौन से कोर्सेज में लेके तुम्हारा करियर बनाना चाहते हो? तो बोलते वो तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ मुझे लग रहा है कि मैं कंप्यूटर, जो आजकल सबसे ट्रेंडिंग में कोर्स चल रहा है, वो मैं लूँगा। मैंने बोला चलो ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे? मतलब कंप्यूटर में भी आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से कोर्सेज है, उसके अंदर भी सब कोर्सेज है, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में पूरा वर्ल्ड है। तो उसमें लाइक डेटाबेस है, लाइक डेटा माइनिंग का है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ग्राफिक इंडस्ट्री है, फिर कोडिंग है, डेवलपिंग है, बहुत सारे अलग अलग पार्ट भी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, क्रिप्टोग्राफी करके सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट में जाना है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, एक्चुअली मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मुझे जिसमें भी मिल जाए उसमें मैं चला जाऊँ। तभी मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे इशू करते हैं, क्योंकि बाहर सबको जाना है लेकिन पर्पस नहीं पता है, कोर्सेस नहीं पता है, किस तरह से जाना है नहीं पता, कॉलेज सिलेक्शन नहीं पता। तो ये आपकी कॉमन मिस्टेक रहती है, और बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ जाने के बाद उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि गलत कोर्स सिलेक्ट कर दिया होता है। और काफ़ी बार उनकी भी मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि उन्होंने क्या होता है, स्टूडेंट्स का भी रिसर्च नहीं करते हैं, जैसे कि 12th का स्टूडेंट है या फिर डिग्री के बाद आपको जाना है, तो रिसर्च हमारे लेवल की होनी चाहिए। जैसे कि आप कोई कंट्री सिलेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि कैनेडा हम सिलेक्ट करते हैं, तो कैनेडा में कितनी कॉलेजेस है, आपका जो एजुकेशन है वो कॉलेज के हिसाब से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी आप नहीं देख रहे हो, आपका रिजल्ट है वो क्राइटेरिया में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो भी हम नहीं देखते। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले हमें बैठ के नोट डाउन करनी पड़ेगी कि हमें कौन सी कॉलेज में जाना है, कौन सा कोर्स लेना है, वो कोर्स लेने के बाद मुझे जॉब करनी है तो उसके आसपास के एरिया में कौन सी कंपनीज है जहाँ पे मुझे मेरे स्टडी के रिलेटेड जॉब मिलेगी, क्योंकि स्टूडेंट स्टडी कुछ और करते हैं, जॉब कुछ और करते हैं, और कभी कभी करियर कुछ और बन जाता है। हाँ, ये प्लस पॉइंट हो सकता है, कभी किसी ने स्टडी अलग की है और करियर अलग बन जाता है, लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि हर एक की लाइफ, हर एक की पढ़ाई की स्टाइल होती है, जो थॉट प्रोसेस होता है बहुत काफ़ी अलग होता है, तो हर एक स्टूडेंट के साथ ही विन-विन कंडीशन नहीं होती है। तो मेरा एक ही मैसेज था कि अगर आप स्टूडेंट हो, अगर 12th के बाद जाना चाहते हो, तो सबसे पहले बैठो, रिसर्च करो कि कौन सी कंट्री में जाना है, कौन कौन से कोर्सेज है जिसके ऊपर आप थोड़ा बहुत डिटेलिंग गूगल करके देख सकते हो कि वो कोर्सेज में आप पढ़ सकते हो, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आप लेके जाओ, ताकि आपके असाइनमेंट्स है या फिर आपके जो भी क्वीज है, एग्जाम्स है, वो आप वहाँ पे टाइपिंग का ज़्यादा होता है कि स्टूडेंट को टाइप करके देना पड़ता है सबमिशंस वगैरह, वहाँ पे लिखना कम होता है, दैट यू नो वेरी वेल, तो वो एक स्किल लेके जाओ। उसके बाद फिर आप आपके एजेंट के पास जाओ कि भाई मैंने इतनी इतनी कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट की है, इतने इतने कोर्सेज के लिए मेरी प्रोफाइल एलिजिबल है, इवन मैं भी ये कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड हूँ, उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत गूगल किया है, अब मैं ये सारी चीज़ें लेके आपके पास आया हूँ, नाउ आप मुझे गाइड करो कि कौन सी कॉलेज में मेरी एप्लीकेशन सबमिट करनी है ताकि मुझे वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर मिले।
तो ये था आज का मेरा सभी के लिए मैसेज कि कुछ भी करो बाहर जाने के लिए, सबसे पहले खुद का रिसर्च करो, उसके बाद जाओ। बिकॉज ऑफ बहुत स्टूडेंट है, इन्होंने वहाँ जाके कोर्सेज चेंज भी किए हैं, और जो चेंज करते हैं कॉलेजेस और कोर्सेज उसमें काफ़ी सारे पैसे चले जाते हैं, और उसका फिर कोई मतलब नहीं रहता है। और फिर आपको या आपके फैमिली को वही पैसे वापस नहीं मिलेंगे, तो फिर आपको पता है कि कितनी कीमत रहती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं हूँ मयूरी, जय हिंद।